राजनगरी आगरा के खेरागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव अटा के एक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं दहशत में फायरिंग की वजह से छात्राएं कॉलेज में आने से घबरा रही हैं। वहीं कॉलेज में आने वाली छात्राओं के परिजन भी उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सौदे अपना दबदबा बनाने के लिए 3 बार कॉलेज की छुट्टी के बाद फायरिंग कर चुके हैं। इस मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य दिलीप सिंह ने खेरागढ़ थाना में एक FIR दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। FIR में अटा गांव निवासी एक व्यक्ति का भांजा राम प्रसाद नामजद आरोपी है। वही छात्राओं में डर का माहौल है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। जब कॉलेज के कर्मचारियों ने फायरिंग कर रहे सौदों का विरोध किया तो उन्होंने कर्मचारियों पर फायरिंग कर दी। इस दौरान कर्मचारी बार बार बच गया। वहीं खेरागढ़ ब्लॉक के गांव अटा में श्री रामकृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं भोपुर से हूँ। मेरे स्कूल का नाम है श्री रामकृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज अटा खेरागढ़ आगरा। मैं मतलब कि स्कूल आई हूँ, मतलब अभी न्यू एडमिशन है मेरा। मैं मतलब मुंबई से पढ़ी हुई हूँ, तो यहाँ पर आई हूँ। 3 तारीख को फायरिंग हुई थी फर्स्ट चांस, तो मेरे घर वालों को बताया तो घर वालों ने मना कर दिया कि अब स्कूल नहीं जाएगी। पर हम अब पढ़े भी नहीं क्या? हम लड़कियों की बस इतनी वैल्यू है क्या अब इस दुनिया में? क्या हम जाते हैं हमारी सुरक्षा हो, पुलिस आए, मतलब कैसे ही होगा, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे ना। सीएम योगी से क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस आनी चाहिए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना ही नहीं चाहिए, पुलिस आनी चाहिए। और भी मतलब नहीं होगी तो आगे बात बढ़नी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना नीचे दबाया जाएगा। ये फायर जो लोग करते हैं वो क्या नियत है उनकी, किस तरीके से फायर करते हैं, कितनी बार उन्होंने किया है? उन्होंने 3 बार किया है। एक तो 3 तारीख को, 6 तारीख को, 10 तारीख को। तीनों बार जब छुट्टी होती है सारे बच्चे मतलब गेट से, स्कूल के गेट से बाहर चले जाते हैं। जो सामने वाली रोड है वहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं ना, तो वहाँ से ही फायरिंग होती है। फर्स्ट फायरिंग होती है सिरू से जब बच्चे निकलते हैं, और एक बीच में और एक लास्ट में करके जाते हैं। स्कूल छुट्टी होती है उसी टाइम? हाँ, उसी टाइम पे होती है। मतलब कभी तो बीच में करके गए थे। एक बार तो बीच में लड़कियों के मतलब कान बिल्कुल हमारे सामने, हमारे कान के सामने करके गए थे। हम क्या बोले, हम डर डर के जिए क्या? तो क्या उनका कोई परिचित यहाँ विद्यालय में पढ़ता है या कोई बच्चा उनका पढ़ता हो? नहीं, हमको इतना तो नहीं पता, पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये अटा का कोई बहाने है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। रविंद्र जी, आपके बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और जो फायरिंग की घटना हुई, क्या बताया था बच्चों ने, क्या फिर स्कूल आए या नहीं आए? हाँ, स्कूल 3 दिन बच्चे नहीं आए थे। क्योंकि नहीं, हम नहीं जाएंगे पढ़ने। मैंने क्यों? तो वहाँ तो गोली चलती है और हमें डर लगता है। मैंने कि नहीं आप जाओ, हम मार साहब उनसे कहेंगे। तो मार साहब दूसरे दिन आए थे, वो प्रिंसिपल साहब जी, उनने बोली थी क्योंकि बच्चे को खराब। फिर हमने बच्चे खना दिए यहाँ पे, खना दिया और लड़के पढ़ने आए। तो बच्चे इनकी बेहालत है, बहुत डर बेहाली तगड़ी है उनकी। और 3 दिन गोली चलाई है। गोली चलाने के बाद में भी फिर बच्चों ने ये कि हमने जाएंगे फिर भी आ सकते हो अभी। तो ये योगी बाबा से यही वो है हमारी के मुख्यमंत्री जी से कि ये बच्चों की सुरक्षा चाहिए। पुलिस की गाड़ी नहीं आती है यहाँ, कभी भी नहीं देखी है बच्चों। हमने पूछा बच्चों की छुट्टी हो जाती है, वो फायरिंग कर जाती है। कोई पुलिस वुलिस की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। आदर्श इंटर कॉलेज अटामे में लिपिक के पद पर कार्य कर रहा हूँ तकरीबन 12 वर्ष से। आज तक किसी से न कोई द्वेष भाव है, न किसी से झगड़ा हुआ, फिर भी ऐसी स्थिति प्रकट हो रही है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में। जबकि सुना जा रहा है कि कहीं भी गुंडई नहीं चल रही है, न दिंगरई चल रही है, ऐसे लोगों का विनाश किया जा रहा है। उसके बावजूद भी विद्यालय की प्रतिदिन छुट्टी 12:45 पर होती है। छुट्टी के तुरंत बाद 12:50 के आसपास 3 लोग आते हैं बाइक से और 3 तारीख, 6 तारीख और 10 तारीख को फायरिंग करते हैं लगातार। फायरिंग के बाद जैसे ही बच्चों का शोरगुल होता है, हम लोग स्वयं अपने शरीर से मैं बक्के गया वहाँ तक। तो उसने फायरिंग 3 फायरिंग करने के बाद 14 फायर मेरे पास किया, मेरे तरफ किया उसने। वो तो गिर गिरा के मैंने अपनी जान बचाई। अगर उस समय खड़ा होता तो जान भी बचाना मुश्किल था। सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे दावे कर रही है वैसी व्यवस्था की जाए, एंटर क्या नाम पुलिस की व्यवस्था की जाए, महिला सुरक्षाओं की टीम लगाई जाए, जिससे बच्चियां और बालक सभी सुरक्षित रहें और सभी अध्यापक सुरक्षित रहें, जिससे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। आगे ऐसी यह दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहता है? तो जो आते हैं, जो फायरिंग करते हैं, जी, उनका कोई बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं? कोई बच्चा नहीं है उनका, ना कोई रिलेटिव है, कोई जानता ही नहीं उनको। बच्चों में दहशत पैदा करना है केवल। बच्चों के बीच आके फायर करते हैं तो दहशत से ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल दहशत फैलाते हैं वो लोग। फायरिंग करके तुरंत भाग जाते हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ।
कॉलेज का नाम है श्री रामकृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज अटा खेरागढ़, और मेरे गांव का नाम है नगला दुलेहा। कौन है तो लगातार क्या क्या घटना हुई अभी बात करें। सर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन है और क्यों आता है, लेकिन 3 बार ये फायर हुआ है और ये मतलब घटना होती है तो हमें बहुत डर लगता है। घर वाले भी मना करते हैं स्कूल मत जाओ, तो हम कई दिन तो स्कूल नहीं आए हैं क्योंकि इस घटना की वजह से डर लगता है कि कहीं दोबारा ना हो जाए और कहीं किसी पर हमला ना हो जाए इस वजह से। क्या घटना घटित क्या जाता है, क्या घटना होती है? वो केवल फायर करके जाता है और कुछ किसी से कुछ नहीं कहता है। स्कूल के सामने जैसे ही छुट्टी होती है बच्चों की, सभी बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो फायर करके जाता है। करीब कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं एक बाइक पर।